ऐसे लोग विरले ही होंगे जिन्हें गर्मा गर्म खाना पसंद नहीं हो। कोई अगर हमें ठंडा खाना खाने को कहे या रात का खाना सुबह खाने को कहे तो हमारा मुंह बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बासी खाना भी हमारे लिए सेहतमंद हो सकता है? हमारी संस्कृति, हमारे त्यौहार और हमारा खान पान अपनी वैज्ञानिक सोच से दुनिया को हैरान कर देते हैं। आज बात है एक ऐसे त्यौहार की जिसमें बासी खाना खाकर हम खुद को आने वाली गर्मियों के लिए तैयार करते हैं। तो आज बात शीतलाष्टमी की, आज बात बासोड़ा की। भारत आस्था का देश, जहां ईश्वर की आराधना में भाव भी मौजूद है और उसका एक विज्ञान भी है। यहाँ जितने दिन हैं उतने ही त्योहार, और हर त्योहार के साथ मौजूद है एक सेहतमंद वजह। होली के बाद पड़ने वाली अष्टमी यानी शीतला अष्टमी को लोक भाषा में बसोड़ा कहा जाता है। बसोड़ा थोड़ा अलग ही त्योहार है। इस त्योहार में एक दिन पहले ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, फिर अगले दिन उसे खाया जाता है। बसोड़े के दिन चूल्हा जलाने का रिवाज नहीं है। देखिए, बासोड़ा मतलब बासी खाना है ना। तो होली के आठवें दिन एक शीतलाष्टमी आती है, तो उस दिन ये जो बासी खाना खाया जाता है, ये सारा खाना एक दिन पहले बना दिया जाता है और दूसरे दिन चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाया जाता। चूल्हा ना जलाने का मतलब है गर्म खाना नहीं खाना, गर्म चाय भी नहीं पीनी, कुछ नहीं करना आपको, और पहले दिन बना हुआ खाना आपको खाना है बासोड़ा में। तो पहले दिन बना हुआ खाना खाने का मतलब ये है कि आपने पहले दिन जब खाना को बनाया था, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है हमारा सर्द से गर्म जाने का, तो उस बासी खाने को जब हमने रखा है तो वो सब, और आपका जो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सब कुछ है उसके अंदर, तो उसमें बैक्टीरिया पनपेगा, है ना। अब वो बस चूँकि बहुत तेज़ गर्मी नहीं हुई है तो एक सर्टेन बैक्टीरिया ही पनपेगा और वो खाना बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाएगा। और दूसरा, इसके पीछे ये भी तरीका होता है कि कौन सा खाना आपको बनाना है, तो वो खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। उसमें अधिकतर चीज़ें तलने वाली भी रहती हैं, तली भी होती हैं जो देर से ख़राब होती हैं। और बैक्टीरिया तो तली हुई पूरी अगर रात को आप रख देते हैं और सुबह दूसरे दिन खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया थोड़ा बहुत बन ही जाता है। तो ये बासी खाना दूसरे दिन खाना है हमने, और सिर्फ इसके साथ हमें ना कोई कच्चा चीज़ खानी है ना कुछ और नया ताज़ा बना हुआ खाना है, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीनी। इस त्योहार के पीछे एक मान्यता यह है कि अब गर्मी शुरू हो गई है और अब बासी खाना नहीं खाना है। हमारे भोजन की परंपरा समाज का अत्यंत जरूरी और मजबूत रक्षा कवच है। लेकिन बीते 3-4 दशकों में एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल करके हमने इस रक्षा कवच को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एंटीबायोटिक की वजह से पेट में बैक्टीरिया का स्वरूप बदल जाता है। एंटीबायोटिक्स की वजह से अच्छे बैक्टीरिया की संख्या लगातार कम होती जा रही है, और खराब बैक्टीरिया बढ़ने से पैंक्रियास का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में बसोड़ा जैसे उत्सव उन्हीं अच्छे बैक्टीरिया को, जिन्हें प्रोबायोटिक भी कहा जाता है, उनकी मात्रा को संतुलित कर देते हैं। तो ये बासी खाना दूसरे दिन खाना है हमने, और सिर्फ इसके साथ हमें ना कोई कच्चा चीज़ खानी है ना कुछ और नया ताज़ा बना हुआ खाना है, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीनी, गर्म पानी भी नहीं पीना। तो ये बैक्टीरिया पेट में काम करते हैं और ये प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं, एक अच्छा बी कॉम्प्लेक्स आपको देते हैं, और ये आपको बना एक तरह का, आप ये समझिए कि नेचुरल वैक्सीनेशन है आपका, जो मीजल्स, खसरा और ये चिकन पॉक्स की जैसी जो बीमारियां माताएं तरह तरह की हमारे यहाँ माताएं होती थी, उनसे बचने का ये एक उपाय शायद सोचा गया कि अगर हम ये बासी खाना, हम जानबूझकर बैक्टीरिया डाल रहे हैं, जैसे दही खाते हैं, दही में हम जानबूझकर बैक्टीरिया अपने पेट में डाल रहे हैं, पर हमें पता है वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है, हमारे पेट को अच्छा करेंगे। तो ऐसे ही बासोड़ा का मकसद भी यही है कि आप प्रोबायोटिक पेट में डाल लीजिए
और आप इम्यूनिटी को बढ़ा लीजिए, अच्छा कर लीजिए, जिससे कि तेज गर्मी में या इस मौसम में जो वायरस वाली बीमारियां हैं उनसे आप बच जाए। हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में बसोड़ा का अपना अलग ही महत्व है। हालांकि देश के दूसरे राज्यों में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मसलन बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाने वाला सतुवानी भी बासी खाना खाने का त्योहार है। सतुवानी के दिन बासी पानी पेड़ों में डाला जाता है। घर के सदस्यों के सिर पर बासी पानी डालकर शीतलता का एहसास कराया जाता है और सत्तू खाया जाता है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बनता है बसोड़े का भोजन। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। कच्चे रास्ते पक्के इरादे, हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा की पुष्पा शर्मा जी हैं। हरियाणा और राजस्थान में बसोड़े के भोजन का एक अलग ही महत्व है। आयुर्वेदाचार्य वाग्य भट्ट कहते हैं कि साल में एक दिन बासी खाना खाया जा सकता है और वो दिन बसोड़े का ही होता है। तो बसोड़े का भोजन के बारे में पुष्पा जी आप अपने अनुभव हमें बताएंगी। उसके पहले ये जानना चाहते हैं ये बसोड़ा है क्या चीज़, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या बनता है, क्या करते हैं इसमें। ये होली के बाद आता है और बच्चों के लिए ठंडा खाया जाता है और वो ठंडा रात को बना के सुबह फिर पूजा करके इमली का पानी पी के पूजा करके फिर वो पूरे दिन खाया जाता है। तो बच्चे के लिए ये करते हैं। मतलब ये बच्चे खाते हैं इस तरह का नहीं खाना? सभी माँ सभी खाते हैं, बच्चों के लिए खास तौर पर ये होता है। खास तौर बच्चों के लिए किया जाता है। चेचक माता ये सब निकलती है उस टाइम पर, इसलिए वो किया जाता है। तो शुरुआत कैसे करते हैं बसोड़े के दिन की शुरुआत कैसे होती है? खाना तो एक दिन पहले बना लेते हैं, आपने हमें बताया था, दिन का शुरुआत कैसे करते हैं? दिन का सुबह उठ के ये इमली का पानी हम घोल बना के रखते हैं। सुबह उठते हैं फिर इमली का पानी पीते हैं सब थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ। और उसके बाद फिर थाल सजाते हैं। तो ये इमली का पानी क्यों पीते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण ये है कि ये एक तो ठंडा रहता है गुड़ और अच्छा भी रहता है, तो इसी से शुरुआत होती है। तो जिस दिन खाते हैं उस दिन कुछ और नहीं बनाते हैं? फिर चाय ठंडा गरम कुछ नहीं खाते शाम तक। दूसरे दिन फिर जो छोटे बच्चे की माँ होती है वो शाम को भी ठंडा ही खाएगी, बड़े बुड्ढे फिर भी वो गरम खा सकते। बासोड़ा में मुख्य तौर पर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? मुख्य तौर पर हरियाणा में खास कर दही, दही गुलगुले, पराठे, मीठे चावल और घी, अलूनिया घी, आप समझ रहे हो तो अलूनिया घी, अलूनिया जो ताज़ा निकलता है छाछ से जो निकालते हैं बिलो के। हाँ। वो घी बासेड़ा बोलते हैं। तो बिना नहाए उठते ही सबसे पहले पूजा करने जाते हैं, नहाते बाद में। पहले पूजा करते हैं नहाते बाद में ये थोड़ा फर्क है बाकी पूजाओं से। हाँ। तो ये सारी तैयारियां परिवार के लोग एक दिन पहले ही कर लेते हैं। एक दिन पहले करते हैं जी। तो आज हम बसोड़े का भोजन आपने काफी तैयार कर रखा है, तो आज हमको क्या बनाकर दिखाएंगे? चावल बनाएंगे, गुलगुले बनाएंगे, परांठा। प्राचीन तौर पे यही चीजें हमेशा से बनती आई है, अब काफी चीजें बदल गई है, कुछ और भी बनने लगा है? अब तो बहुत बदल गई है, अब तो क्या नहीं बनता, सब कुछ बनता है। अच्छा। अब तो जो बच्चों की पसंद होती है वही चीजें बनती है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे आज? अब पहले बनाए अपन चावल रख देते हैं, चावल बना देते जी। फिर गुलगुले चालू करेंगे जी, फिर परांठा। लेकिन ये चीज खाई जाएगी कल? अभी अपन गैस जला के चावल रख देते हैं जी। और चावल पकते रहेंगे और अपने इसमें थोड़ी देर के बाद गुड़ डालेंगे। अच्छा, चावल में गुड़ डालेगा? हाँ, गुड़, मीठे चावल बनेंगे, मीठा चावल। जब तक चावल पक रहा है आप जो है गुलगुले की तैयारी कर लेते हैं अपन, है ना? ये आपने घोल जो बना रखा है ये किस चीज का घोल है? इसमें पहले हमने पानी डाला, फिर हमने गुड़ को घोला और फिर आटा।
तो इसको भी घोल के थोड़ी देर रखते हैं या? हाँ, रखते हैं थोड़ी देर। ये चार पांच चीजें जो है पर्याप्त मात्रा में बन जाएंगी। हाँ। कल के लिए तो बासोड़े में, और आपने बताया कि पराठा भी बनाते हैं। हाँ, पराठा भी बनाते हैं, बाजरे की रोटी भी बनाते हैं। कोई जैसे गुलगुले पसंद नहीं आते तो वो चिल्ले बना लेते हैं, तो ये सब चीजें वैरायटी बहुत है कुल मिला। हाँ। के जो भी आपको पसंद है वो सब आज बना के रख लीजिए, कल बासी मुँह पूजा कीजिए। हाँ। और उसके बाद पूरे दिन खाइए इसको। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, ज्यादातर वही आइटम बन रहे हैं जो ठंडा खाना पसंद किए जाते हैं। ये पराठा है, मीठे चावल हैं, गुलगुले हैं। हाँ जी। तो कुछ फर्क आया इतने सालों में? जैसे आप बचपन से इस त्योहार को मनाती आ रही हैं, तो अब मैं तब में और अब में कितना फर्क आ गया है? अब में ये है कि एक तो चीजें बहुत बनने लग गई। हाँ। और उसको इस्तेमाल जो हम करते थे उस हिसाब से नहीं करते। अच्छा। वो बस गर्म कर लो, इसको गर्म करके खा ले। नियमता उसको ठंडा ही खाना चाहिए। हाँ, ठंडा। चावल भी हमारा हो गया है तो थोड़ा इसको भी देख लें और हिला के देख लेते हैं। अब इसमें गुड़ डाल सकते हैं? हाँ जी। बढ़िया, मीठे चावल तैयार हो गए। अब तक आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि बसोड़ा दरअसल शरीर में प्रोबायोटिक को जगह देने के लिए जरूरी है। लेकिन एक व्यंजन ऐसा भी है जिसे आप दिव्य भोजन कह सकते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे शरीर में प्रोबायोटिक की जरूरत को पूरा करता है। ब्रेक के बाद उसी व्यंजन की बात। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। २९ मार्च को पूरे देश में धूमधाम से होली मनाई गई, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके अगले दिन यानी 30 मार्च को क्या था? 30 मार्च को वर्ल्ड इडली डे था। इडली एक सुपर फूड माना जाता है जो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी को पूरा करता है। हमारे साथ पद्मजा जी हैं जो हमें इडली बनाना सिखाएंगी और इडली खिलाएंगी भी। जरूर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपसे इडली के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है क्योंकि साउथ और नॉर्थ की इडली में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे वो बताएं। इसके लिए इडली बनाने के लिए ना पहले उड़द दाल को लेना है और चावल, इडली चावल। ये चावल अलग है, ये इडली चावल बोलने से ये मिलेगा, ये थोड़ा छोटा छोटा ही होती है। अच्छा, इसके दाने थोड़े छोटे होते हैं और थोड़े मोटे भी होते हैं। हाँ। और उड़द दाल बिना छिलके वाली? हाँ, बिना छिलके वाली। नहीं, छिलके वाले से अच्छी बनती है, एक्चुअली छिलके वाले से ही बनाना है। हाँ। उसको भिगो के 2-3 घंटा भिगो के छिलका निकाल के बनाते हैं, लेकिन आजकल ना ये ऐसा ही मिल रही है मार्केट से, इजी भी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली छिलका वाला भिगो के ये साफ करके बनाने से ज़्यादा टेस्टी इडली बनती है। यदि 4 लोगों की इडली बनेगी तो 1 गिलास ये छोटी गिलास में आप जो है दाल लेंगे, गिलास दाल लेंगे, इसके बाद वो 3 गुना चावल लेंगे। 1:3 रेशियो। 1:3 रेशियो। हाँ जी, ठीक है। ये भिगो के रखना है, हमको साफ करके, पानी से साफ करके भिगो के रखना है कम से कम 3 घंटा।
तो ये चावल दाल आपने कहा इसको करीब 3-4 घंटे पहले भिगो के रखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, कैसे इसको फ्रेगमेंटेट करेंगे? अगर हम ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है तो, कल ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है तो इसी रात को शाम को ही भिगो के रखते हैं। भिगो के 3-4 घंटे के बाद उसको बैटर बनाते हैं, मिक्सी में नहीं है तो ग्राइंडर में डाल के बैटर बन जाएगा। इसके बाद हमको फर्मेंटेशन के लिए, वो थोड़ा फर्मेंटेशन का तो डिपेंड होता है गर्मी कितनी है। अगर दिल्ली में तो, साउथ में है तो इसका देखने का ज़रूरत नहीं है, रात को बना के रखते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। लेकिन इधर नॉर्थ में, दिल्ली में वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होता है ना, मतलब ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडे मौसम होती है, इसलिए अगर हम इसी मौसम में है तो हम 6 आवर्स तक बाहर रखेंगे फर्मेंटेशन के लिए। अगर सर्दी में है तो दिसंबर जनवरी जैसा एक्सट्रीम कोल्ड है तो उस समय हम 1 डे बिफोर बनाना पड़ता है। अगर फर्मेंटेशन कम हो गया तो हार्ड बनेगा, ज़्यादा हो गया तो खट्टा हो जाएगा। तो फर्मेंटेशन को मापना भी एक अनुभव की चीज़ है। हाँ। जो पद्मजा जी जानती हैं और आप भी अपने अनुभव से उसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा ना फूल जाएगा। हमको यहाँ क्या करते हैं, वो इनो वगैरह डाल के वो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। हम इतना टाइम एक पीसने के बाद रख लिया तो अपने आप अच्छी सी फर्मेंट हो जाएगी। मैं देख रहा था आपने पेस्ट पूरा बनाया था उसको जो है। हाँ, काफी देर से मैं बना के रखी थी, सुबह से अर्ली मॉर्निंग बना के रखी थी। इसको अब हम चेक करना है फर्मेंटेशन और वो ठीक हुआ कि नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ठीक हुआ है? फर्मेंटेशन के बाद क्वांटिटी पहले हम रखेगा तो थोड़ा नीचे ही होगा, वो फर्मेंट होने के बाद ना वो अपने आप थोड़ा सा फूलता है। ठीक है ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? अब हम अभी बनाने के वक्त हम थोड़ा इसको कंसिस्टेंसी को देखना है। हम जब बैटर बनाते हैं ना उसी टाइम थोड़ा थिक रखना है। अच्छा। थिक बैटर थिक बनाते हैं। जब इडली बना के थोड़ा सा देख के, साल्ट डालने से भी थोड़ा सा लूज हो जाता है, इसलिए साल्ट डाल के हम जितना पानी चाहिए जी उतना थोड़ा सा ऐड करना होता है। तो ये पानी, लेकिन जब हमने ये पेस्ट रखा था, बटर बना के रखा था, पहले ही पानी डाल के रख देते तो उससे फर्क पड़ जाता कुछ? हाँ पड़ता है, वो फर्मेंटेशन से और लूज हो जाता है ना, वो ज्यादा पतला हो जाता है। अच्छा, इसलिए अच्छा। थोड़ा थिक बनाना है पेस्ट। अब ये बैटर तैयार है हमको इडली बनाने का, हम बना सकते हैं। ये एकदम तैयार है? तैयार है जी। ठीक है, ये इडली बर्तन है। ठीक है, इसमें हमने पानी बेस में आपने लगा लिया पानी है, ये हम स्टोव पे रखेंगे जी। अब इडली के लिए, इडली माउल्स है ना इसमें जी, ये प्लेट्स में ये थोड़ा होल्स बड़ा है। हाँ। कुछ प्लेट्स में तो बिना होल के आता है, लेता छोटा वाला होल्स के आता है। हाँ, उसमें बारीक बारीक होते हैं, इसमें थोड़े से बड़े हैं, इसमें थोड़ा बड़ा है। हाँ, इसलिए हाँ। क्या करते हैं ना, वो कपड़ा डाल के इसके ऊपर कपड़े में डालते हैं जी। ये है इजी साइज की, सिर्फ ये इडली के लिए यूज करते हैं हम इस माउल्स में डालेंगे। जैसे जनरली सामान्य घरों में ये शिकायत रहती है कि इडली बनाते हैं तो हार्ड हो जाती है। हाँ। तो क्या कपड़े का उसमें कुछ रोल होता है या फ्रेगमेंटेशन का ही रोल है? फर्मेंटेशन का ही रोल है। तो ये हमेशा से शुरुआत से ही इसी तरह से बनाया जाता था? मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इडली तो बहुत प्राचीन, बहुत पहले कैसे बनाया जाता था, जब ये बर्तन नहीं था या आकार नहीं लिया था, आसान तरीका नहीं आया था, तब क्या होता था? वो बर्तन नहीं है तो इससे पहले वो पत्ते होता है ना बड़े बड़े, वो केले के पत्ते। केले के पत्ते, हाँ, वैसे ही थोड़ा वाइड लीव्स होता है ना, उसी पत्ते में डाल के उसमें बना देते हैं। जी जी, अभी इसको ढकेंगे। हाँ जी। अब ये कितनी देर पकेगा? ये थोड़ा मीडियम या हाई फ्लेम में 5-6 मिनट्स ऐसा रखना है। इसके बाद 5 मिनट्स लो फ्लेम में रखना है, 10-12-15 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर, मिनिमम 10 मिनट्स तो लगता है। पद्मजा जी, आप तो आंध्र प्रदेश से हैं। हाँ जी। वैसे नॉर्थ और साउथ की इडली में तो नज़र आता है कि बहुत फ़र्क है, लेकिन क्या साउथ साउथ में भी फ़र्क है इडली बनाने में? जैसे तमिल और आंध्र में अलग अलग बनती है इडली? तमिल में मोस्टली चावल से ही बनती है, चावल और उड़द दाल से। अच्छा। आंध्र में तो उस चावल को रवा बना के अलग से मिलती है, इडली रवा करके। अच्छा। मोस्टली हम चावल पीसते नहीं है, वो रवा मिलाते हैं इसमें।
सिर्फ उड़द दाल को भिगो के उसको बैटर बनाते हैं, वो रवा जो है वो अलग से मिलती है मार्केट में, वो लाके ये भी वो भी 1:3 रेशियो में वो भी अलग से भिगो के रखते हैं। ये बैटर बनाने के बाद उसको पानी निकाल के इसमें मिला लेते हैं। आपका बचपन साउथ में बीता, स्कूलिंग वहाँ पर हुई, फिर आप शादी के बाद या उससे पहले आप यहाँ नॉर्थ में आए, तो एक ये पूरा बचपन से घर में इडली बनती रही है, इसको सुबह के नाश्ते के तौर पर और बाकी खाने के तौर पर भी लेते रहे, तो कुछ बदलाव इतने सालों में कुछ बदलाव समझ में आता है कि कुछ पहले बचपन वाला कुछ मिसिंग है, पहले कुछ ऐसा होता था अब वो चीज नहीं है? बचपन में तो मेनली दाल का वो छिलका वाला दाल से बनती है, वो टेस्ट रियली बहुत अच्छी होती है वो दाल का। वो अभी तो बिना छिलके वाले से कर रहे हैं, एक ये है। दूसरा अभी इडली में चावल ज़्यादा होती है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए आजकल, वो वाइट राइस का कम करके कुछ मिलेट्स को रवा बना के वो ऐड कर रहे हैं हेल्थ इश्यू के लिए, ऐसा कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से ऐड कर रहे हैं। बेसिकली वो तो इडली तो वो ही है, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा वो ऐड कर रहे हैं। घिया है पेस्ट करके उसमें मिलाना, वो बीट रूट है, पालक ले तो जौर की रवा, ऐसा करके थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि चूंकि इडली चावल से बनती है इसलिए जो चावल का कार्बोहाइड्रेट है वो उनको नुकसान करेगा, लेकिन वो जानते नहीं है कि इडली बनने का जो प्रोसेस है वो चावल के गुणों को बढ़ा देता है एक तरह से, वो एक अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करता है और वो एक खमीर वाला भोजन है। बच्चों के लिए तो बचपन में जैसे दांत नहीं आते उसी टाइम है तो ये इडली ज़रूर खिलाते हैं, घी मिला के, घी थोड़ा सा चीनी मिला के, बचपन में बिल्कुल छोटे बच्चे के दांत नहीं आया उस बच्चे के तो ज़रूर इडली खिलाते हैं। इडली पक रही है, हम लोग 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, तब तक चटनी बना सकते हैं क्योंकि आपके अनुसार चटनी तो ज़रूरी है, सांभर होना हो सांभर भी खाएंगे लेकिन चटनी तो वो कैसे बनेगी आपकी स्पेशल आंध्रा की चटनी जो इडली के साथ मजा देती है, क्या करेंगे पहले? इडली के साथ नारियल का चटनी भी खाया जाता है, मोस्टली मूंगफली का चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं, मूंगफली थोड़ा सा नारियल भुना हुआ चना ये सब डाल के चटनी बनाते हैं। अच्छा, तो हम ये सारी चीज़ें मिलाकर आप चटनी बनाएंगे? हाँ जी, मूँगफली चना और नारियल। हाँ जी ठीक है। करीब 10 मिनट तो हो गए हैं, इडली पक गई होगी, बंद कर सकते हैं हम। अच्छा, तो बंद करके चेक करेंगे, मतलब हो सकता है कि ना पकी हो, नहीं वो पक जाते हैं वो, हम 5 मिनट वेट किया तो वो अंदर स्टीम होते हैं ना, हम पानी डाल के रखा है वो गर्म जो है वो सफिशिएंट है। ये दिव्य भोजन, अद्भुत भोजन इडली तैयार है। ये बहुत स्पंजी इडली है, इसके साथ सांभर है जिसमें सहजन की फली यानी ड्रम स्टिक पड़ा हुआ है और चटनी है, चटनी मूंगफली के दाने, नारियल और थोड़ा चने की दाल मिलाकर बनाई गई है। आज हमने बासोड़ा की बात की, बासोड़ा वास्तव में ये संकेत देता है कि बासी भोजन अब बंद किया जाए, आने वाली गर्मियों में ताज़े भोजन को ही का ही सेवन किया जाए, लेकिन ये इडली आप खा सकते हैं, साल भर खा सकते हैं, हर रोज़ खा सकते हैं, दिन में किसी भी समय खा सकते हैं, ये आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जबकि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं इस इडली का मज़ा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए स्वाद की तलाश में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
नमस्कार।